निर्जल उपवास कैनी वाणी निराहार हो। निर्जल उपवास कैनी वाणी निराहार हो। तीज के व्रत हम उठावनी तोहार हो। तीज के व्रत हम उठावनी तोहार हो। कुशल कुशल रखिया शिव जी से नूरा हमार हो। रखिया सलामत शिव जी से नूरा। हाई लेडीज़, गुड मॉर्निंग, हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। सो आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत स्पेशल है। और सो जो लोग नहीं जानते कि तीज क्या होती है, मैं बता दूँ कि हरतादिका तीज हम अपने हस्बैंड के लिए करते हैं और इस पर हम निर्जला व्रत रखते हैं, जिस पर हमें पानी नहीं पीनी, खाना भी नहीं खाना, और शाम के टाइम पर हम शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। मैं चाह रही थी कि थोड़ी और जल्दी उठूँ, बट रात में सोते हुए ही काफ़ी देर हो गई। तो अब बस घर के एज़ यूज़ुअल काम करूँगी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ अभी ही बनाना है, क्योंकि आई नो रात में मेरी बैटरी लो हो चुकी होगी। प्रसाद के लिए मैं सोच रही हूँ गुजिया बनाऊँ, जिसे हमारे तरफ पिड़किया भी बोलते हैं, और साथ साथ ठेकुआ बनाने की भी सोच रही हूँ। ओके, सो आज दिन भर क्या क्या एक्टिविटी की मैंने, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगी आपको। ये मेरी पहली व्लॉग है, तो इसे आप बहुत सारा प्यार देना अपना, और पसंद आए तो कमेंट भी कर देना। सो ये तीज वाले दिन मैं ये शूट कर रही हूँ, मे बी ये तीज के 2-3 दिन बाद आपको मिले। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब थोड़ी काम कर ली जाए। सबसे पहले मैं सूखे नारियल ग्रेट कर रही हूँ, जो कि गुजिए में और ठेकुए में दोनों में यूज़ हो जाएगी। मैं आज मावे वाली नहीं, रवा वाली गुजिया बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी लेकर के और सूजी को थोड़ा भूनना है। आपको ऐसे स्मेल आएगी और हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है आपको, ज़्यादा नहीं भूननी सूजी को। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सारे ड्राई फ्रूट्स जो है उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, और इससे जो है टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाती है गुजिए की। पिड़किए से बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है। आई थिंक हम सारे इस बात से रिलेट कर पाएंगे। मम्मियों के हाथ के ठेकुए और गुजिए, आ हा हा, इतने टेस्टी होते थे। तो यही सारी चीज़ें मैं आगे पास ऑन करना चाहती हूँ, ताकि आगे की जनरेशन भी ये सारी चीज़ें सीख पाए। आप सूखी हुई चीनी यूज़ कर सकते हो इस स्टफिंग पे, ग्रेटेड कोकोनट, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स हमने डाल ही दिया है, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छी हो जाती है। बस स्टफिंग तो रेडी हो गई मेरी, अब डो बनाने की बारी है। डो के लिए मैदा और थोड़ी सी घी मिलाए उस पर, और कुछ इस तरह की बाइंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के डालें उस पर और डो बनाएं। डो को है आप थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए लगभग आप साइड रख दें, उसके बाद ही आप गुजिया बनाना स्टार्ट करें। गुजिया बनाने के लिए वैसे लोग मोल्ड का यूज़ करते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों से ही गुजिया बनाऊँ, और इसकी डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे से बनकर आती है। ओके, सो माय गुजिया इज़ रेडी नाउ। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। आपको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है इसको, और हल्के गोल्डन कलर होने तक भुनना है।
अब ठेकुआ बनाने की तैयारी कर ली जाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ठेकुए के बारे में सुना भी नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको, ये हमारे झारखंड और बिहार की बहुत फेमस डिश है। ये आटे, गुड़ या शुगर से बनती है एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी। आप इसे घी में फ्राई करोगे तो ये और भी हेल्दी है आपके लिए, और बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। छठ पूजा के टाइम पे तो इसकी टेस्ट आई थिंक 100 times बढ़ जाती है। तो आटे पे मैंने घी मिलाया यहाँ पे, और पिसी हुई चीनी, सौंफ और ग्रेटेड कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स पाउडर। इसका डो नहीं बनाना आपको, आपको कुछ हल्का ड्राई सा रखना है, फिर इसे शेप देते हुए आप फ्राई कर सकते हो। आपको जैसे भी शेप चाहिए उस तरह की आप बना सकते हो। ओके, सो इट्स रेडी नाउ। इतनी टेस्टी लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है अभी ही खा लूँ, बट क्या करें, खा नहीं सकते। अब हमारी हिमानी जी खाना खाएंगी। वैसे तो हिमानी खुद ही खाना खाती है, बट आज मैं खिला रही हूँ। एक नंबर की ड्रामेबाज है ये लड़की। सारे भोग पकवान अब बन चुके, अब कुछ पूजा की तैयारी भी कर ली जाए। मैंने मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी बनाए हैं। जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, तो गलती सलती माफ़। और पूजा की तैयारी अगर पहले से कर ली जाए ना, तो आराम से आप पूजा कर सकते हो, वरना इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि पूजा में फिर ध्यान ही नहीं रहता। हिमानी सो रही है अभी, तो मैं आराम से ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। इन जनरल वैसे तो एक टाइम भी अगर आप भूखा रहो तो पेट में दर्द हो जाता है या चक्कर आने लगते हैं, पर आज पता नहीं इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ जाती है सब कुछ करने की, वो भी बिना खाए पिए। फाइनली सारे काम हो चुके हैं और अब मैं फ्री होकर के बैठी हूँ। पूजा की तैयारी हो चुकी है, प्रसाद तो बन ही चुका है, रात के खाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। हिमानी सो रही है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ अच्छे से नींद पूरी करके उठे वो और पूजा इंजॉय करें। लगभग 5:15 बज रहे हैं अभी, तो 6:15-6 बजे तक मैं पूजा शुरू करने की सोच रही हूँ। और तो फटाफट से मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। सो दिस इज़ माई लुक फॉर टीच। ऑरेंज और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है मैंने, साथ में गोल्डन झुमके, मांग टीका, नेकलेस और गोल्डन चूड़ियाँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आज पहननी होती हैं। नथ भी पहननी होती है, पर मुझे पहनने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने रहने दिया और छोटी वाली ही नथ डाल ली। जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाया है मैंने। और बैंगलोर में आपको जो है फूलों की कभी कमी नहीं होती, जो भी फ्लावर चाहिए आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो अब पूजा शुरू हो चुकी है और मेरे शिव जी मेरे बगल में बैठ के आज पूजा कर रहे हैं। और अगर आप फैमिली के साथ पूजा करते हो ना, वो एक अलग ही फीलिंग आती है, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है वो। बट समटाइम्स ना मैं मिस करती हूँ, मुझे लगता है काश मैं अपने नेटिव पे होती इस टाइम पे, तो अपनी भाभियों के साथ, मम्मियों के साथ बैठ के पूजा कर पाती। और वहाँ पे ना एक अलग ही रौनक होती है। आप बैंगलोर की तीज और वहाँ की तीज में बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जो चहल पहल होती है और जो लेडीज़ ऐसे सज धज के निकलती है ना, वो देख कर के ही बड़ा मज़ा आता है। और आ गई हमारी हीरोइन। इसको आप कैमरे के सामने खड़ा कर दो और बस ये शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पे ना पूजा पाठ के टाइम पे ऑरेंज सिंदूर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट ये बिहार और झारखंड में ये ट्रेडिशन है। सो अब पूजा ख़त्म होने वाली है, आरती वगैरह हो चुकी है। और आप सब मुझे बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसी लगी। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, तो भर भर के कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना आप सब। इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।